हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं रेबेलियस डिसाइपल मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 17 है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस जगह पे स्पिरिट बीस्ट पहुंच जाते हैं। उन बीस्ट को देख के चू तुरंत मुँह को कवर करते हुए बोलता है, मास्टर मू, आप केयरफुल रहिए, आपका स्टेट अभी ठीक नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब आप हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। ये देख के मी सोचती है, ये पर्सन तो चू का सबोर्डिनेट है, पर चू इतना नर्वस क्यों लग रहा है। तभी जियू मी को बोलता है, आप मैजिक यूज करने में अच्छे हैं एंड मुझे बिलीव है कि आपका स्ट्रेंथ काफी है उन स्पिरिट बीस्ट को हराने के लिए। तभी होंगचान बोलता है, ऑफ कोर्स, उसके स्ट्रेंथ के आगे ये स्पिरिट बीस्ट कुछ भी नहीं है, इसीलिए फाइट करने के दौरान हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जियू मी को बोलता है, प्लीज आप अपना टैलेंट दिखाइए। होंगचान उसे एनकरेज करने लगता है कि आप सबसे बेस्ट हैं। उन स्पिरिट बीस्ट को देख के मी बोलती है, ऑफ कोर्स, तुम लोग बस वेट करो, मैं इन सबको मार दूंगा। ये बोल के मी आगे बढ़ने लगती है उन बीस्ट को मारने के लिए। वो सोचती है कि ये कितना एनोइंग है, आखिर मुझे उन बीस्ट को क्यों मारना पड़ रहा है। मुझे मू कुंजी का कोई भी टेक्निक के बारे में नहीं पता है, मुझे ऐसा टेक्निक यूज करना चाहिए जो उनके साथ सिमिलर रहेगा, पर मुझे अपना सीक्रेट रिवील नहीं करना है। मी अपना पावर यूज करके उन स्पिरिट बीस्ट से लड़ने लगती है। मू उन दोनों को बोलता है, तुमने उस मॉन्स्टर को लड़ने के लिए भेज दिया। जियू बोलता है, देखा जाए तो उस मॉन्स्टर का स्ट्रेंथ एवरेज है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ज्यादा स्मार्ट भी नहीं है, हम लोग उसे वन सोल आर्ट करने के लिए मजबूर कर देंगे। मू बोलता है, ये मॉन्स्टर सिंपल है, हम लोग उसके जरिए ड्यूमन रेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जियू बोलता है, हम लोग उसे ह्यूमन रेस के बारे में फेक इन्फॉर्मेशन देंगे, वो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बाकी मॉन्स्टर्स को भी बताएगा, जिससे उन मॉन्स्टर्स को ह्यूमन रेस के सिचुएशन के बारे में पता नहीं चलेगा। उन दोनों को बातें करते हुए देख होंगचान टू को बोलता है, मास्टर, क्या जियू पहले उनसे ऐसे ही बात करता था? मुझे ऐसा लग रहा है वो मास्टर का डिसाइपल है, ना कि आप। ये सुन के चू गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है, तुम बकवास बातें करना बंद करो, मैं मास्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डिसाइपल हूँ, जियू मुझसे बराबरी नहीं कर सकता। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में परेशान हूँ, कहीं तुम्हारा स्टेटस कहीं खो ना जाए। मू जियू को बोलता है, मैं भी यही सोच रहा था, इस एंटायर लिंगशुआन पैलेस में तुम सबसे शांत एंड स्मार्ट पर्सन हो। तभी चू उन दोनों के बीच में आ जाता है, क्योंकि उसे जलस फील हो रहा था। वो उन दोनों को बोलता है, आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी सुनने दो। मू उसे बोलता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के चू गुस्से से बोलता है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर जियू का है, आखिर आप एंड जियू ऐसा भी क्या बात कर रहे है जो मैं नहीं सुन सकता, मैं आपका इकलौता एंड सबसे इम्पोर्टेंट डिसाइपल हूँ। ये सब सुन के जियू परेशान हो जाता है। वो चू को बोलता है, ब्रदर, आप थोड़ा धीरे बात कीजिए, नहीं तो मॉन्स्टर आपकी बात सुन लेगा। मू ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, वो बस मेरी तारीफ कर रहा था। ये सुन के चू जियू के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, मास्टर ने तुम्हारा तारीफ किया, आखिर मेरे मास्टर तुम्हारा तारीफ क्यों करेंगे, ऐसा लगता है तुम्हें मुझसे मार खाना है। ये बोल के चू उसे मारने लगता है। जियू उसे बोलता है, आपको केयरफुल रहना चाहिए, आपको इस तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। होंगचान परेशान होकर बोलता है, मास्टर, आपको बात करना चाहिए, ना कि फाइट, आपको मेरे लिटिल जियू पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, आप फाइट करना बंद कीजिए। ये बोल के होंगचान चू को रोकने लगता है। हम सबको इस हालत में देख के मुंह सोचता है, आखिर ये लोग कितने साल के हैं। इधर मी उन बीस्ट को हरा देती है, देन वो पीछे पलट के देखती है, वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। वो सोचती है, आखिर वो लोग क्यों फाइट कर रहे हैं। तभी होंगचान बोलता है, वाओ, आपने पलक झपकते ही उन बीस्ट को हरा दिया, मू क्विंजी सच में पावरफुल है। देन वो चू एंड जियू को बोलता है, तुम दोनों फाइट करना बंद करो, उसने स्पिरिट बीस्ट को हरा दिया। मी पूछती है, ये सब क्या है? जियू बोलता है, कुछ भी तो नहीं,
लिंगशुआना पैलेस में रहने वाले लोग अपना फ्रेंडशिप इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इसके बारे में सबको पता है, इसीलिए चलो साथ में खेलते हैं एंड अच्छा टाइम बिताते हैं। ये सुन के मी बोलती है क्या मुझे भी ज्वाइन करना पड़ेगा। मी सोचती है फ्रेंडशिप दिखाने के लिए क्या फाइट करना नॉर्मल है, क्या लिंगशुआना पैलेस में रहने वाले लोग इंसेन हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? जियू बोलता है आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मुझे डाउट उठा कहीं मू क्विंजी मॉन्स्टर के रूप में तो नहीं है, पर मैंने आपको फाइट करते हुए देखा, आप पावरफुल लग रहे थे, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। मी थोड़ा घबराते हुए बोलती है आखिर कोई मॉन्स्टर मू क्विंजी का रूप कैसे धारण कर सकता है, तुम सच में बहुत ज्यादा सोच रहे थे। मी सोचती है जरा इन ह्यूमन बींग्स को देखो, उन लोगों ने स्पिरिट बीस्ट के जरिए मुझे टेस्ट करना चाहा। फॉर्चुनेटली मेरा आइडेंटिटी रिवील नहीं हुआ है, मुझे संभल के रहना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग स्पिरिट बीस्ट का मीट आग में पका रहे हैं। होंगचान बोलता है मैंने लेजेंड से सुना है कि स्पिरिट बीस्ट का मीट रिच स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा होता है एंड ये बहुत डिलीशियस भी होता है। आपकी एफर्ट की वजह से हम लोग आज नाइट स्पिरिट बीस्ट को खा पा रहे हैं। मी बोलती है मैं मू क्विंजी हूँ, इसलिए मुझे अपना बेस्ट देना होगा। अगर इन बीस्ट ने तुम्हें हर्ट किया होता तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाता। वेल, मुझे अभी भूख लग रहा है एंड ये मीट अच्छे से कुक हो गया होगा। मी सोचती है मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैं एग्जिट के लिए रास्ता ढूंढ रही थी एंड देन मुझे स्पिरिट बीस्ट से लड़ना पड़ा। मैंने अब तक रेस्ट नहीं किया है, मैं अभी भूखी एंड टायर्ड हूँ। ये स्पिरिट बीस्ट का मीट बहुत डिलीशियस होता है, मुझे जल्दी से इन्हें खा लेना चाहिए। तभी जियू उसे रोक लेता है एंड उसे बोलता है अब सब काम परफेक्टली करते हैं, यहाँ तक कि आप कुकिंग में भी अच्छे हैं, पर आप अभी इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? ये मीट अभी तक पूरी तरह से पका नहीं है, क्या आप सच में मू क्विंजी है? देन सब लोग उसे स्टेयर करने लगते हैं। मी बोलती है मेरा खाने का इरादा नहीं था, मैं इसे और भी ज्यादा रोस्ट करना चाहता हूँ, ये आधा पका हुआ है इसीलिए मैं इसे खा नहीं सकता। चू बोलता है मास्टर आप हमेशा हम लोगों के लिए भी मीट ग्रिल करते हैं एंड मुझे पता है आप अभी भी चेंज नहीं हुए हैं, हम लोग अगेन आपके हाथों से रोस्टेड मीट खाएंगे। जियू बोलता है मैं सचमुच इसका इंतजार कर रहा था। ये सुन के मी गुस्से से सोचती है आखिर मू क्विंजी को क्या हुआ है, वो कल्टीवेशन में सबसे आगे रहता है एंड यहाँ तक कि वो कुकिंग स्किल में भी सबसे आगे है, क्या अच्छा नहीं होता कि कोई और उसके लिए कुकिंग करता। देन वो सोचता है इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सब नॉनसेंस बातें ज्यादा करते हैं, मुझे उन लोगों को हराने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मी उन लोगों के लिए भी मीट कुक करता है, कुक होने के बाद वो लोग अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। जियू मू को मीट देते हुए बोलता है ये नाइट स्पिरिट बीस्ट का बेली है, ये सबसे ज्यादा टेंडर रहता है, तुम इसे ट्राई करो। इससे चू को जलन होने लगता है, वो जियू को बोलता है मास्टर को ये जरूरत नहीं है। देन वो मू को मीट के स्लाइसेस देते हुए बोलता है मैं आपको मीट सर्व करता हूँ, आप परेशान मत होइए। जियू परेशान होके बोलता है ब्रदर चू आप, तभी चू बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं मुंह का देखभाल कर सकता हूँ, तुम जा सकते हो। देन वो मुंह को तेजी से मीट स्लाइसेस ऑफर करता है। होंगचान जियू को बोलता है तुम्हें उन दोनों के बारे में वोरी होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें स्पिरिट बीस्ट का मीट सर्व करता हूँ। मुंह धीरे से अपना टीम को बोलता है उसे ट्रिक करो, देन हम लोग आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। उन लोगों को देख के मी गुस्सा होने लगती है, वो सोचती है आखिर वो लोग इस मू को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं एंड ये सिचुएशन क्या है, ये लोग पेयर में क्यों हैं, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। होंगचान मी को बोलता है यहाँ पे खाना कम पड़ गया है, उन बीस्ट का बॉडी कुछ ही दूर में है, क्या आप जाके उनका मीट काट के ला सकते हैं? ये सुन के मी खड़ी हो जाती है एंड चिल्ला के बोलती है क्या यहाँ पे एनफ खाना नहीं है। तभी चू उसे बोलता है मास्टर आपको क्या हो गया है, आप पहले कहा करते थे कि खाने को लेके आप सब कुछ का ध्यान रखेंगे, पास्ट में सब काम आप अकेले करते थे, अगर हम लोग काम करते थे तो आप गुस्सा हो जाते थे,
क्या आप अभी ये सब काम नहीं करना चाहते हैं? आपका पर्सनालिटी सच में बहुत बदल चुका है, क्या आप मास्टर नहीं हैं? ये सुन के मी बोलता है, मैं जाके मीट काट के लाता हूँ। उसके जाने के बाद चू मुंह को मीट खिलाने लगता है। मुंह बोलता है, तुम्हें मुझे खिलाना नहीं चाहिए, मोस्टर कभी भी आ सकता है, हमें पहले बिजनेस के बारे में बात करना चाहिए। जीव बोलता है, हमें उस मोस्टर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें उसे वन सोल आर्ट करने पे मजबूर करना होगा ताकि मुंह अपना ओरिजिनल बॉडी पे वापस जा सके, हमें इसमें सक्सेस होना होगा। चू बोलता है, मास्टर आप कुछ कहिए, हम आपकी बात सुनेंगे। मुंह बोलता है, हमें उस मॉन्स्टर को जागृत नहीं करना है। होंग चान, तुम्हें मॉन्स्टर के साइड में रहना होगा, तुम्हें प्रिटेंड करना होगा कि तुम उस मॉन्स्टर पे भरोसा करते हो, उसे इसके बारे में कॉन्फिडेंट आना चाहिए। देन मुंह जीयू एंड चू को बोलता है, तुम्हें मुझे कोऑपरेट करना होगा, तुम्हें विलेन का रोल करना होगा, तुम्हें जूयू आई को लेके क्वेश्चन उठाना होगा। जब वो मॉन्स्टर वापस आ जाता है, चू उसे बोलता है, मास्टर आप लिंगशुआन पैलेस में बहुत सालों से रह रहे हैं, आप लिंगशुआन पैलेस पे रहते हैं एंड आपने एक जीयू आई को भी छुपाया है ना, इसके अलावा हमें बाकी जीयू आई के पोजीशन के बारे में भी पता है। उसकी बातें सुन के जीयू सोचता है, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मुंह परेशान होकर सोचता है, चू को लगता है कि मॉन्स्टर फूल है। मी बोलती है, क्या सच में? तब तो मुझे चेक करना होगा, लिंगशुआन पैलेस को छोड़ के आखिर और कहां जूयू आई हो सकता है। ये सुन के चू शोक में पड़ जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि बाकी के जूयू आई कहां पे है, वो कुछ रिप्लाई दे नहीं पाता है। मुंह सोचता है, मॉन्स्टर अब सस्पिशियस हो चुका है, अगर उसे हम लोगों के बातों पे बिलीव नहीं होगा तो हमारा प्लान सही से नहीं जाएगा, पर हमें बाकी जूयू आई के लोकेशन के बारे में नहीं पता है। मी सोचती है, आखिर ह्यूमन बींग्स इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं कि वो सारे जूयू आई के पोजीशन के बारे में जान सकते हैं। मी बोलती है, ऐसा लगता है तुम्हें पता नहीं है। तभी मू बोलता है, क्यूआन युआन संप्रदाय के पास एक जूयू आई है। ये सुन के मी सरप्राइज हो जाती है। मुंह बोलता है, हमें अदर लोकेशन के बारे में पता है पर यहाँ पे सब कुछ बताना इनकन्वीनियंट है, शायद ऐसा हो सकता है कि कोई मॉन्स्टर हमें यहाँ पे सुन रहा है। मुंह क्विंजी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? ये सुन के मी घबराते हुए बोलती है, हाँ तुम सही हो सकते हो। मी सोचती है, क्यूआन युआन संप्रदाय में जूयू आई बहुत डीपली हिडन होके है, पर इस ग्रुप को उस आई के बारे में पता है, ये कितना अनएक्सपेक्टेड है। ऐसा लगता है उन्हें बाकी जूयू आई के पोजीशन के बारे में भी पता है, ये सब कितना स्केरी है, मुझे ओल्डर ड्यूमंस को इसके बारे में इमीडिएटली बताना होगा। मू मी को बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए पर जूयू आई का मैटर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम मू क्विंजी पे ट्रस्ट करते हैं पर इन केस मुझे तुम्हारा आइडेंटिटी भी पूछना पड़ेगा। मी बोलती है, मैं इसे कैसे प्रूव कर सकता हूँ? मी सोचती है, जूयू आई एक इम्पोर्टेंट मैटर है एंड इसके लिए मुझे अपना आइडेंटिटी भी प्रूव करना होगा, पर मुझे मू क्विंजी के लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर वो मुझे पास्ट के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? अपना आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए वो लोग उसे बोलते हैं, तुम्हें वन सोल आर्ट करना होगा। ये सुन के मी बोलती है, व्हाट, मुझे वन सोल आर्ट करना होगा? पर ये वन सोल आर्ट मॉन्स्टर का मैजिक है, मैं इसे आर्ट से भला कैसे अपना आइडेंटिटी प्रूव कर सकता हूँ? मू बोलता है, वन सोल आर्ट टेक्निक एक सीक्रेट है मॉन्स्टर का, वो कभी भी इस सीक्रेट के बारे में रिवील नहीं करेंगे, अगर वो लोग इस आर्ट के बारे में बातें करने लगेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसीलिए मॉन्स्टर वन सोल आर्ट नहीं कह सकते। पर मू क्विंजी, तुम एक ह्यूमन हो, इस आर्ट को कहने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड इससे तुम अपना आइडेंटिटी भी प्रूव कर पाओगे। ये सुन के मी सोचने लगती है, आखिर ये पर्सन ह्यूमन रेस के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। मू उसे बोलता है, आखिर क्या हुआ, क्या तुम नहीं बोल पाओगे? क्या तुम मू क्विंजी नहीं हो, बल्कि तुम मास्टर के भेष में कोई मॉन्स्टर हो? मी चिल्ला के बोलती है, ऐसा नहीं है। जीयू बोलता है, अगर तुमने वन सोल आर्ट के बारे में नहीं कहा तो तुम एक
मॉन्स्टर हो। अगर तुम मू क्विंजी नहीं हो तो तुम आज यहाँ से बच के नहीं जा सकते। चू बोलता है, अगर तुम मॉन्स्टर हो तो फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। मैं तुम्हारे डिवाइन सोल के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा ताकि तुम अगेन रिबोर्न ना हो सको। मी घबराते हुए बोलता है, तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ, मैं ही सच में मू क्विंजी हूँ। देन वो सोचता है, ये लोग कितने परेशान करते हैं, अब वो लोग मुझे धमका रहे हैं, फिर वो लोग अचानक से बदल कैसे सकते हैं। तभी होंग चान उसके सामने आ जाता है एंड उन सब लोगों को बोलता है, तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे लगता है ये सच में मू क्विंजी है। देन वो चिल्ला के बोलता है, क्या तुम सब लोग भूल गए उसने कैसे उन स्पिरिट बीस्ट को मार दिया एंड उसने हमारे लिए मीट भी कुक किया। क्या एक मॉन्स्टर इतना बुद्धू हो सकता है कि वो ये सब चीजें करेगा। देन मी चिल्ला के बोलती है, वो सही बोल रहा है, अगर मैं मॉन्स्टर रहता तो क्या मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए करता। मी सोचती है, होंग जान मुझ पे भरोसा करता है, वो सच में स्टूपिड है, मैं उसे यूज कर सकता हूँ। होंग चान उसे धीरे से बोलता है, हालांकि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ पर तुम्हें अपना आइडेंटिटी 1 और 8 के जरिए प्रूव करना होगा। तुम्हें पता ही होगा मेरे मास्टर का कैरेक्टर, मैं उन्हें रोक नहीं सकता अगर वो कुछ करना चाहेंगे तो। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।